अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं वो टोयोटा करोला GLI 2015 मॉडल है। आज हमारे साथ महमूद सैगल हैं। कैसे हैं महमूद? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो महमूद सैगल के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें अपनी गाड़ी का रिव्यू दिया। तो महमूद, आपने ये गाड़ी कब ली, कितने में ली? ये मैंने 2015 में ली थी। अच्छा, तो ये वैसे तो 1750 की है। अच्छा, तो बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के आपको 18 तक की पड़ गई थी उससे। तो महमूद, आपके पास मेरे ख्याल होंडा सिटी भी है और आप GLI भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है अगर आप इसको सिटी के साथ कंपेयर करें, तो इसमें क्या चीज़ बेटर लगती है आपको? सिटी से अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये इसकी रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी है सिटी। अच्छा। से इसको आप गाँव में ले जाएँ या फिर किसी लॉन्ग रूट पर ले जाना हो तो काफ़ी रिलायबल। हाँ, ये है टोयोटा की रिलायबिलिटी जो है वो उससे ज़्यादा बाहर है। सही। तो इसमें मेरे ख्याल एक GLI आती है, एक XLI आती है, और इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है वो Altis है, सनरूफ के साथ जो है। सही। तो आपको GLI ही क्यों पसंद है? GLI यही बात है, इसकी रोड ग्रिप अच्छी है। नहीं मतलब ये कि XLI है, GLI है, फिर Altis है, तो मतलब GLI परचेज करना एक बजटेड डिसीजन था आपका? बजट के हवाले से। अच्छा, सही है। मेरा ख्याल है वैसे अगर देखा जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन थी उस वक्त, उस टाइम उस बजट में ये बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपको फ्यूल एवरेज क्या दे रही है गाड़ी? फ्यूल एवरेज सिटी में ये 13 तक दे देती है। सही। आउट ऑफ सिटी लॉन्ग रूट पे अगर आप जाएं तो 15-16 हो जाती है। सही हो गया, अच्छी एवरेज। ठीक। तो जब आपने ये गाड़ी ली थी तो इसमें जो आपका इंफोटेनमेंट होती है सीडी थी या क्या? उस टाइम थी, बहुत मैनुअल से थी। अब ये फिर मैंने बाद में एंड्रॉयड LCD लगवाई थी। अच्छा, सही। ये इनमें ये कमी है कि इन्होंने बिल्कुल वो जो होता है ना नॉब्स वाली, बिल्कुल वो होती, वो बहुत ही सही। उसमें मेरे ख्याल ब्लूटूथ भी नहीं आता था उस दौर में। ब्लूटूथ भी नहीं आता था। सही। ये फिर मैंने खुद लगवाई थी। कैमरा भी आफ्टर मार्केट लगवाई है, कैमरा भी बाद में आफ्टर मार्केट है, और ये LCD। तो आपने कभी इस गाड़ी पर कोई लॉन्ग ट्रैवल किया हो तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई आप प्योर से शेयर करेंगे कुछ? लॉन्ग तो मैंने जितने भी इस पर ट्रैवल किए हैं लाइक कश्मीर वगैरह है उधर जा गया हूँ, तो ये बहुत स्टेबल है सिटी पे, क्योंकि आप जैसे लॉन्ग पे जाए ना तो उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी नहीं होती। अच्छा। आप 120 क्रॉस करेंगे तो वो हिलने लगे, शिवरिंग करने लगे। अच्छा। बट इसमें ये चीज़ है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको 160 तक इजीली लेके जा सकते हैं। अच्छा। तो आप फैमिली के साथ गए होंगे तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी फैमिली के साथ इसमें? क्योंकि एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें ये इसका जो बैक हम्प है वो नहीं, वो अच्छा। है वो नहीं है। अच्छा। सिटी और सिविक में क्या होता है कि उसमें बैक हम्प होता है ना, तो वो ऐसा फैमिली का नहीं होता। सही हो गया। पीछे सिर्फ दो बंदे इजीली बैठ सकते हैं, इसमें यह कि आप 3 पर्सन बैठ सकते हैं, फैमिली कार ये बहुत सूटेबल है। और इसकी ट्रंक स्पेस कैसी है, मतलब ट्रंक स्पेस भी इसकी बहुत अच्छी है, आप इजीली पूरी फैमिली अपना सामान रख सकते। सही। अच्छा, और ये जो ये स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आते हैं उस पर इसका रिस्पॉन्स कहाँ से कैसे, नीचे लगती तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा? सस्पेंशन सस्पेंशन अच्छी है इसकी। अच्छा, सस्पेंशन तो वैसे ही टोयोटा डिमांड कहती है कि ये मेड फॉर द पाकिस्तान है, पाकिस्तानी रोड्स के लिए बनी है ये गाड़ी, तो मतलब नीचे लगती नहीं है बिल्कुल भी? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं लगती। अच्छा, इसके पुराने वाले जो सा मॉडल है उसमें वैसे ही इशू था कि जब आप 2 adults बैठे हो तो नीचे ज़रा लगती है, बड़े अजीब किस्म की आवाज़ आती है। नहीं नहीं, इस मॉडल में मैंने तो नहीं कोई ऐसा। तो आपको जब से आपने ये गाड़ी रखी है, आपने माशाल्लाह 1,20,000 किलोमीटर चला ली है, तो कोई आपको इशू आया इस गाड़ी में? इश्यूज वैसे तो कोई नहीं आता है, लेकिन बस एक सुबह के टाइम जब आप स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी तो वो एक बड़ी अनोइंग से आवाज़ आती है, बेल्ट की। बेल्ट की बिल्कुल वो तमाम करोला में है तकरीबन। हाँ, वो बस एक इशू है, वो उसके अलावा बाकी ऐसा कोई वो नहीं। उसके अलावा मेरे ख्याल बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब से आपने गाड़ी रखी है तो ये डोर पैनल्स का ये कलर थोड़ा सा मेरे फेड होने लगा, ये भी एक इशू है। वैसे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, लेकिन ये कलर होता जाता है तो इससे थोड़ा अनोइंग लगता है, इंटीरियर खराब हो जाता है। तो इसके अलावा कोई चीज़ जो आप इस गाड़ी में मिस करते हो? मिस, हाँ, इसमें एक एम्बुलाइजर नहीं है यहाँ पे जो अक्सर गाड़ी में होता है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में आपने जब गाड़ी रखनी है तो सिक्योरिटी के इशूज बहुत ज्यादा है, खासतौर पर मेरे करोला में बहुत ही ज्यादा, करोला में बहुत ज्यादा है। तो ये आई थिंक बड़ी मुश्किल है जब आप पीस ऑफ माइंड ही नहीं होते, आपको हर वक्त टेंशन हो गई गाड़ी गाड़ी खड़ी करने के पीछे आपको टेंशन हो गई यार क्या बनता है, ये आई थिंक बड़ा इशू। और इसके अलावा सेफ्टी वाइज अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में इसमें एक और चीज़ के ABS नहीं है, ABS एयरबैग नहीं है। सही। एयरबैग नहीं, ये बड़ी एक बाकी वैसे तो अल्लाह सबको हिफाजत में रखे, लेकिन एयरबैग मस्त है, मस्त है, कभी आपसे लगी जाती है गाड़ी बिल्कुल, हिफाजती तदाबीर तो होनी चाहिए गाड़ी में।
तो एसी की परफॉर्मेंस इस गाड़ी की कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी है। अच्छा, और इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसके ये जो एसी के एयर वेंट्स हैं, एयर वेंट्स है ना, ये आप इजीली क्लोज कर सकते हैं। इसके मेरे ख्याल पुराने में मैंने देखा है कि ना इसको उसके नीचे एक वो होता है छोटा सा, हां वो बॉल सी होती है, बॉल सा करके, तो वो बड़ा एक ना डिफिकल्ट हो जाता है। सही, ये आई थिंक बेहतर है, बेहतर है। और इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इस गाड़ी में ये रेडिंग लैम्पस्टोन से हैं, ये मेरे ख्याल इसके पुराने मॉडल्स में इस तरह नहीं थे, सिर्फ दरमियान में आता था। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, सिटी में मेरे पास है उसकी, यहाँ दरमियान में है, बिल्कुल वो इतना अच्छा नहीं है, यहाँ लाइट होना बहुत आसानी रहती है जब टोल टैक्स वगैरह मतलब आपने पे करना हो, टोकन वगैरह तो यहाँ से ऐसे निकालने बड़ी आसानी होती है। सही, तो इस गाड़ी की जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है जो आप मोबाइल वगैरह करवाते हैं तो वो कितना कॉस्ट करता है आपको? इसका जी ऑयल ऑलमोस्ट 3000 का होता है। अच्छा, 4 लीटर में लगता है। तो आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी में? ऑयल इसमें टोटल का। अच्छा, टोटल का यूज़ कर रहे हैं। सही। अच्छा, क्या ख्याल है इस गाड़ी की रीसेल कैसी है? रीसेल मार्केट में तो बहुत बेस्ट है इसकी, करोला की सबसे आई थिंक बेस्ट। मेरा ख्याल जो रीसेल का लफ्ज़ है वो हैवी सी गाड़ी के लिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल अगर आप आज इन दिनों भी अगर आप डिसाइड करें इस गाड़ी को बेचना तो ये दो दिन मेरा नहीं ख्याल टिकेगी, बिल्कुल जितने की ली थी और उससे ऊपर जाएगी, ये इसका बड़ा एक एज है। मतलब ये कि जब आपने ये गाड़ी ली, जितने की ली उस पर आपने ऑन भरा, नंबर प्लेट के चार्जेस भरे, उसके बावजूद भी ये गाड़ी उससे ऊपर प्रॉफिट दे जाएगी, बिल्कुल। तो उसके अलावा कोई चीज़ आपको इस गाड़ी में कोई अच्छी लगती हो? इस गाड़ी में एक तो इसका जो टेम्परेचर गेज है ये बहुत मॉडर्नाइज कर दिया, पहले एनालॉग आता था तो अब ये जेले में इन्होंने डिजिटल कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी इसके मिरर्स ऑटो हैं, विंडोज ऑटो हैं, और इसको भी आप अंदर से हैंडल कर सकते हैं, बाहर वाले जो मिरर्स, बाहर वाले मिरर्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो आई थिंक ये अच्छी अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा मेरे ख्याल इस मॉडल में इन्होंने ये आउटसाइड टेम्परेचर की ऑप्शन रखी है, मेरे ख्याल पिछले मॉडल्स में नहीं आती थी, पिछले में नहीं आती थी, अब इन्होंने रखी है। सही, और बैक पे इसका आर्मरेस्ट भी है, उसमें मेरे ख्याल 2 कप होल्डर्स भी हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल आपने देखे नहीं है लेकिन इसमें है, हालांकि ड्राइव ही करती होंगे। सही, तो इस गाड़ी की जो सी स्पेस है उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? स्पेस में काफ़ी अच्छी है गाड़ी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एज अ प्रॉपर फैमिली कार, तो स्पेस काफ़ी अच्छी है इसकी, आप इजीली 5 बंदे फैमिली के अगर हैं तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं। अगर हम दिखा सकें व्यूअर्स आपको तो यहाँ दरमियान में भी 2 कप होल्डर्स हैं, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे, बैक आर्मरेस्ट है, बैक आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, पिछले डोर्स में भी है, पिछले डोर में भी 2 स्पेस है, तो ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। सही हो गया, बाकी सिर्फ ये है कि इनको सेफ्टी पे थोड़ा सा करना चाहिए कि और सिक्योरिटी पे भी खास तौर पे, बाकी ये बेस्ट है एज अ फैमिली कार। सही, तो महमूद आपकी बहुत मेहरबानी, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का टोयोटा GLI पे मैनुअल पे रिव्यू, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमने इसे पिछले मॉडल पे भी रिव्यू बनाया है, आप वो भी काइंडली ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।